सब्सक्राइब करें आईक्यू डेवलपर चैनल को और बेल को आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट के बारे में, काफ़ी गवर्नमेंट का काफ़ी जोर हो रहा है इस डिजिटल पेमेंट के ऊपर लेके। और इसी लेटेस्टली अगर हम देखें तो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें कस्टमर को जीरो लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एटीएम फ्रॉड को रोका जाए और एटीएम फ्रॉड हो जाने के बाद क्या किया जाए। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईक्यू डेवलपर, जहां होती हैं केवल ज्ञान की बातें। दोस्तों, अगर हम बात करें एटीएम फ्रॉड के ऊपर में, तो काफ़ी डिजिटल पेमेंट का जैसे जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं एटीएम फ्रॉड के ऊपर में। तो क्या सावधानी बरतें जिससे हमें एटीएम या डेबिट कार्ड से जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं उनके फ्रॉड को हम रोक सकें। तो नंबर वन, आप अगर देख लें तो नंबर वन सबसे पहले है कि अपने कार्ड के पिन को किसी के साथ भी शेयर ना करें, कार्ड का पिन सिक्योर रखें, अपने पास रखें। दूसरा जो उसमें है कि उसके कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का नंबर होता है जिसे CVV नंबर करते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जिसे कहा जाता है CVV या CV2 के नाम से लिखा होगा वहाँ पर पीछे में, 3 डिजिट का नंबर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी किसी के साथ में शेयर ना करें। तीसरा, किसी भी अनऑथराइज प्लेस पर अपने कार्ड को स्वाइप ना कराएँ, जहाँ पर जो रेपुटेटेड शॉप है, जो अच्छी शॉप है, वहीं पर ही अपने कार्ड को स्वाइप कराएँ, ठीक है। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कार्ड के बारे में आप जान लें कि कार्ड के अगर इन्फॉर्मेशन, अपना जो मोबाइल नंबर है, अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट के साथ में अटैच कराएं। तो अगर आप इन चीज़ों को आप देखते हैं, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, तो होपफुली आपके कार्ड से आप काफ़ी हद तक अपने कार्ड एटीएम कार्ड के फ्रॉड से बच सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इसमें और हम चीज़ जोड़ना चाहेंगे, जो OTP नंबर है, अगर OTP नंबर रिसीव करते हैं कहीं से भी बैंक से और आपको कॉल आती है OTP नंबर के लिए, तो आप किसी को भी अपना OTP नंबर ना शेयर करें। और जहां तक हो सके, अगर बैंक आपका EMV कार्ड इशू कर रहा है, EMV कार्ड यानी कि अगर कार्ड के फ्रंट पे देखेंगे एक सिम की तरह एक छोटा सा मैग्नेटिक मेटल का पार्ट लगा रहता है, और पुराने कार्ड देखेंगे तो बैक करके उसमें स्ट्रिप लगी रहती है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है वो पुराने कार्ड थे। EMV के अब नए कार्ड होते हैं जिन्हें मैग्नेटिक स्ट्रिप भी होती है और साथ में आगे एक चिप लगी होती है, तो उस चिप वाले कार्ड को जहाँ तक अगर आपका बैंक इशू कर रहा है तो वो कार्ड आप लेने की कोशिश करिए, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है और उस कार्ड का क्लोन बनाना काफ़ी टफ है। ये तो ही दोस्तों कार्ड के फ्रॉड को रोकने के बारे में। अगर मान लीजिए फ्रॉड हो जाता है तो क्या आपको करना चाहिए और क्या इसमें लाइबिलिटीज़ बनती हैं, इसके रिगार्डिंग में RBI ने अभी लेटेस्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें दो कॉन्सेप्ट दिए इसने, जीरो लाइबिलिटी का और लिमिटेड लाइबिलिटी का। जीरो लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि कस्टमर की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई भी पेमेंट उसको नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। और दूसरा काम लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि कस्टमर को थोड़ा सा नुकसान का बर्डन सहना पड़ेगा। तो किन किन केसों में ये अप्लाई होता है उसको देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर जो फ्रॉड, सबसे पहले तो बैंकों को ये डायरेक्ट किया गया कि अपने सारे कस्टमरों को आप अटैच करिए मोबाइल के थ्रू में, मोबाइल नंबर उनका अटैच कर दिए, और जो लोग अपना मोबाइल नंबर अटैच नहीं रख रहे हैं उनको कैश विड्रॉल के लिए, बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप उनका डिबार कर सकते हैं उनके थ्रू, ठीक। दूसरी चीज़, आप जब भी ट्रांजेक्शन होता है आपको एक मैसेज वो फॉरवर्ड करेंगे, जैसे हमें आता है मैसेज विड्रॉल का, या उस एक ऑथेंटिकेशन मैसेज आएगा आपके पास, और उस मैसेज को आप ऑथेंटिकेशन फॉर्म में रिप्लाई कर सकते हैं या शायद नो के फॉर्म में। तो इस तरह का एक गेट पे एक सिस्टम बनाना है बैंकों को, जो RBI ने उनको डायरेक्ट किया है। ये तभी हो पाएगा जब आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर कराएंगे। तीसरी चीज़ है, अगर फ्रॉड हो जाता है तो कस्टमर को 3 दिन के अंदर में उसको कंप्लेन करनी है। 3 दिन के अंदर में अगर कस्टमर अपनी कंप्लेन कर देता है और उस कंप्लेन वो या तो थर्ड पार्टी के ब्रीच की वजह से होता है या बैंक की वजह से होता है, तो कस्टमर की उसमें कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी और सारी लाइबिलिटी बैंक या थर्ड पार्टी की होगी, ठीक। तीसरी चीज़ अगर देखिए, अगर जो लाइबिलिटी है बैंक, अगर फ्रॉड होता है वो कस्टमर की गलती की या कस्टमर की नेग्लिजेंस की वजह से होता है और कस्टमर 4 to 5 days में उसका कंप्लेन कर देता है, उसके बाद भी कस्टमर की जो लाइबिलिटी होगी वो 5,000 to 25,000 तक की ही लाइबिलिटी कस्टमर की होगी, डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप का कार्ड वो यूज़ करता है, ठीक है। और जो भी फ्रॉड हो गए हैं, जो भी सेटलमेंट है, वो विद इन 10 days बैंकों को सेटल करना होगा। ये RBI की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये टॉपिक, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का आइकॉन है, सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेते हैं। अगर आपने भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखा जिसमें बैंक के एटीएम पेमेंट गेटवे के बारे में बात की है और कैसे एटीएम वर्क करते हैं, तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।